शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तप। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है साधना का रहस्य। मनुष्य का अनतकरण दर्पण की भ्रांति है। सुबह में सांझ तक उस पर धूल जमते रहते हैं। लगातार उस धूल के जमते रहने के अंतकरण का दर्पण अपने स्वाभाविक गुणों को गवा देता है और यह सच्चाई सर्वविदित है कि अंतकरण की अवस्था के अनुरूप ही मनुष्य को ज्ञान होता है। अंतकरण का दर्पण जिस मात्रा में स्वच्छ है उस मात्रा में ही सत्य उसमें प्रतिबिंबित होता है। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी से किसी व्यक्ति ने अपनी मानसिक चंचलता का दुखड़ा रोया। उसकी परेशानी थी कि साधना में उनका मन एकाग्र नहीं होता, किसी भी तरफ से उसका ध्यान नहीं जमता। रूमी ने मुस्कुराते हुए उससे अपने एक मित्र साधु के पास यह कहकर भेजा, आओ और उनकी समग्र दिनचर्या को बड़े ध्यान से देखो, वही तुम्हें साधना का रहस्य ज्ञात होगा। निर्देश के अनुसार वह व्यक्ति उस साधु के पास गया। वहां जाकर उसे भारी निराशा हुई, क्योंकि वह साधु एक साधारण सी सराय का रखना वाला था, साथ ही वह स्वयं भी बहुत साधारण था। उसमें कोई ज्ञान के लक्षण भी दिखाई नहीं देते थे। वह बहुत सरल और शिक्षुओं की भ्रांति निर्दोष मामूली पड़ता था। उसकी दिनचर्या भी सामान्य सी थी। उस साधु की दिनचर्या की छानबीन करने पर बस इतना भर पता चला कि वह रात्रि को सोने से पहले और सुबह जगने के बाद अपनी सराय के बर्तनों को अच्छी तरह से धोता मांजता है। इस साधु के पास से काफी निराश होकर वह व्यक्ति जलालुद्दीन रूमी के पास लौटा। उसने साधु की दिनचर्या उन्हें बताई। सूफी संत रूमी हंसते हुए बोले, जो जानने योग्य था वह तुम देखाए हो, लेकिन उससे ठीक से समझ नहीं सके। रात्रि में तुम भी अपने मन को मान जाओ और सुबह उस पुनः दो डालो। धीरे धीरे मन अंतकरण निर्मल हो जाएगा। अंतकरण के निर्मल दर्पण में परमात्मा अपने आप ही प्रतिबिंबित होता है। अंतकरण की नित्य सफाई ही अपना साधना का रहस्य है, क्योंकि यह स्वच्छता पर ही साधना की सभी विधियों की सफलता निर्भर है। जो इसे विस्मरणीय कर देते हैं वे साधना पथ से भटकते जाते हैं। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।